बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सा डेज़र्ट, चॉकलेट पुडिंग डेज़र्ट, जो झटपट से बन कर तैयार हो जाता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम एक बाउल लेंगे और उस बाउल के अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर या 1/3 मयरिंग कप। ये देखिए 1, 2 एंड 3 टेबलस्पून हमने इसमें डाले हैं कॉर्नफ्लोर के, और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें जाएगा 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप मेरिंग कप जो हैं वो मिल्क यानी दूध के, और इस सारे बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया इसके अंदर। अब हम इसको एक पैन के अंदर शिफ्ट करेंगे। पैन में इसको कुकिंग हमने इसकी करनी है, इसको पैन में शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई छोटा सा कोई लंप वगैरह है, कोई गुठली है, तो वो निकल जाए। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम पर, और इसके अंदर मैं अब चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि ये जो बैटर है, जैसे जैसे ये गर्म होगा दूध, तो उसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने स्टार्च या कॉर्न स्टार्च मिक्स किया है वो नीचे ना लग जाए। तो इसमें आप कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये देखें थोड़ा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को स्लो करके इसको पकाएंगे, और मैं विस्क की मदद से इसको कंटिन्यूस हिला रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। बस स्लो फ्लेम पे हम इसको 1 मिनट तक और पकाएंगे, और ये बहुत तेज़ी से ये देखें थिक हो रहा है। बस इस स्टेज पर आपने कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाना है। मुझे टोटल मेरे ख्याल है 3 to 4 मिनट्स लगे हैं, और ये देखें इस तरह से ये थिक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम अब सर्व करने के लिए अपने ग्लासेस में डालेंगे। इसकी सर्विंग के लिए आप अपनी चॉइस से किसी भी शेप के छोटे कप या ग्लासेस आप अपनी पसंद से जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं। अब मैंने जो ये पुडिंग, वनीला पुडिंग तैयार की है, इसको हम इन ग्लासेस के अंदर डालेंगे। इसको हम हल्का हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि ये लेवल हो जाए, और इन ग्लासेस को अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। वनीला पुडिंग को तैयार करके मैंने 5 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रख दिया है। वो थोड़ी सी सेट हो जाती है, उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे चॉकलेट पुडिंग। उसका भी बिल्कुल सेम तरीके के साथ हम बनाएंगे। मैंने इसके लिए भी लिया है 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको मैं इसमें डालूँगी। फिर 3 चम्मच ही मैंने इसके लिए ली है शुगर यानी चीनी, वो इसमें डालेंगे। इसमें जाएगा 1 पिंच सॉल्ट का, कोको पाउडर किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं 3 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 कप दूध के, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से करेंगे मिक्स ताकि कोई भी इसमें गुठली बाकी ना रहे। कोको पाउडर ज़रा मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए आप इसको स्लो स्लो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको भी पैन में डाल लेंगे, और पैन में डालने से पहले इसको छान लेंगे इस तरह से। हम इस सारे बैटर को इसमें से छान लेंगे। चलें, इसका कुकिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया, मीडियम पे रखा, और इसको हम कंटिन्यूस विस्क इसके अंदर चलाते रहेंगे, और इसको इसके थिक होने तक पकाएंगे। तो तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में।
जैसे ही ये थोड़ा सा ठीक होने लगेगा, फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो पे रख ले जाएंगे और इसको कंटिन्यूस तेज़ी से इसके अंदर विस्क चलाते हुए इसको हम पकाएंगे। सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने पहले वनीला पुडिंग जिस तरीके से तैयार की थी, उसी तरह से हम आप चॉकलेट पुडिंग तैयार कर लेंगे। ये देखें 3 to 4 मिनट्स लगे हैं और ये कितना अच्छा, ये थिक सा हो गया है। पुडिंग रेडी है हमारी, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको भी अब हम अपनी ग्लासेस में डालेंगे। 5 मिनट्स तक हमने इसको फ्रिज में रखा और ये देखें वनीला पुडिंग जो है बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट पुडिंग। ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, लेवल कर देंगे। इसी तरह से बाकी ग्लासेस में भी डालेंगे। चॉकलेट पुडिंग को भी मैंने इन सर्विंग ग्लासेस के ऊपर डाल दिया है और ये देखें इस तरह से इसकी लुक बनी है। इसको हम दोबारा फ्रिज में हम रख देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो पुडिंग को सेट होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है और अब ये मैंने ली है डार्क चॉकलेट, ये तकरीबन 50 ग्राम्स है और इसको मैंने छोटा छोटा सा पीसेस में काट लिया। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर चीनी और इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क। और ये चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको मैं या तो आप डबल बॉयलर की मदद से इसको मेल्ट कर लें या फिर इसको आप माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए चला लें। मैंने इसको हाफ मिनट के लिए पहले ओवन को चलाया, फिर इसको निकाल के इसको मिक्स किया और दोबारा हाफ मिनट के लिए मैंने ओवन चलाया है। आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से इसका टाइम सेट करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। और इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसमें मिल्क और ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही एक स्मूथ और बड़ी अच्छे से टेक्सचर की हमारी टॉपिंग तैयार हो गई है। ये देखें इस थिकनेस पे। अब हम इसको अपने जो ग्लासेस हैं उनके ऊपर लगाएंगे। पुडिंग को देखें आप, बहुत अच्छी सी सेट हो चुकी है और जो हमने ये इसकी टॉपिंग तैयार की थी ये बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, इसको भी हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसको इन ग्लासेस के ऊपर तकरीबन 1-1 स्पून के बराबर डालेंगे। इसके ऊपर टॉपिंग डालने के बाद एक बार फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये है जी फाइनल लुक मज़ेदार से चॉकलेट डेजर्ट की। आप इसको अपनी चॉइस से जिस तरह से चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसको चॉकलेट से डेकोरेट किया है। तो आप इसको बनाएं और इंजॉय करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।